नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट न्यूज। मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर में और खास करके जम्मू में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर पिछले कई सालों से, यहां तक कि पिछले कई दशकों से काम नहीं हुआ है। ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास के साथ जुड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी को दूर करने के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन आज तक इन प्रोजेक्ट्स पर कोई काम नहीं हुआ। इसी में से एक बड़ा प्रोजेक्ट था, जम्मू रेलवे स्टेशन को रेलवे डिवीजन के तौर पर विकसित करना, और उस पर पिछले कई सालों से अब तक कोई काम जो है वो नहीं हुआ। बड़ी बात यह है कि 2014 में इस पर बड़े एफर्ट्स किए गए, तब के सांसद मदन लाल शर्मा जो कि कांग्रेस से सांसद थे, उन्होंने पार्लियामेंट में इस पर बड़ी जोर शोर से आवाज़ उठाई और जम्मू को डिवीज़न मिलने के लिए उस वक्त जो है वो तमाम राजनीतिक दलों ने भी इस पर सपोर्ट किया, इस पर अपना समर्थन दिया, और सभी राजनीतिक दल ये चाहते थे कि जम्मू जो है वो रेलवे डिवीज़न बन जाए। चूँकि फिरोजपुर डिवीज़न जो है वो अब तक है और जम्मू के तमाम जो रेलवे से जुड़े हुए जो कामकाज है वो फिरोजपुर जाकर लोगों को करवाने पड़ते हैं, और 2014 में इस पर बड़ा काम हुआ, बड़ा जोर शोर से इस पर बात हुई, चर्चा हुई, और तब से लेकर अब तक इस दिशा में रेलवे की ओर से अब तक कोई कदम जो है वो नहीं उठाया गया है। और ये भी आपको बताएं कि 3 नए डिवीजन जो है वो बने थे 2014 में, अनाउंस हुए थे, जिनमें से जम्मू भी एक डिवीज़न के तौर पर जो है वो अनाउंस किया गया था, लेकिन आज तक उस पर कोई भी काम नहीं हुआ है। और इससे, जैसा हमने कहा कि जहां भी डिवीज़न बनता है वहां का आर्थिक विकास होता है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो दूर होती है, और रेलवे से जुड़े हुए जितना भी ट्रेड है, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो टैक्सी का काम हो, ट्रेवल्स एजेंसीज का काम हो, यानी पूरा एक तरह से कहें कि हर एक शख्स जो है वो टूरिज्म के साथ जुड़ा हुआ है, जम्मू कश्मीर में पर्यटन के साथ जुड़ा हुआ है, चूँकि यहाँ एक मेजर इंडस्ट्री जो है वो टूरिज्म है, और हर साल जो है वो लाखों करोड़ों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं, और जो दूसरे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, और इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनका काम कारोबार बढ़ने का पूरा जो है वो एक रोड मैप था कि डिवीज़न बनेगा और उससे इन लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन आज तक ये जो प्रोजेक्ट है ये क्यों पेंडिंग किया जा रहा है, ये क्यों डिले किया जा रहा है? और बड़ी बात यह है कि 2014 में 3 नए डिवीज़न अनाउंस हुए और ADRM जो है वो यहाँ पे पिछले कई साल से पोस्टेड भी है, रेलवे डिपार्टमेंट के एडिशनल डिवीज़न रेलवे जो मैनेजर हैं वो यहाँ पे पोस्टेड भी हैं ADRM, लेकिन आखिर क्यों इस पर अब तक कोई काम जो है वो नहीं हो पाया है, ये एक बड़ा सवाल है। और ये भी आपको बताएं कि एक अप्रॉक्सीमेट करीब करीब अगर रेलवे डिवीज़न यहाँ पे अब तक बन जाता तो करीब करीब 15,000 से 20,000 लोगों को रोज़गार मिलता, लोगों का कामकाज बढ़ता, ट्रैवल एजेंसीज़ का जो टूर एंड ट्रैवल्स का जो काम है वो बढ़ता, टैक्सी ऑपरेटर्स का काम बढ़ जाता, होटल इंडस्ट्री है उसका काम बढ़ जाता, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितने भी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं उनका एक बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास होता। लेकिन आज तक जो है वो डिवीज़न का काम नहीं हो पा रहा। और ये भी हमने कई बार देखा है कि जब कई प्रोजेक्ट्स बड़े डिले हो जाते हैं और उसमें फिर ये आवाज़ें उठने लगती हैं कि ये कहीं शिफ्ट ना हो जाए, इसका भी डर बना रहता है, इसके ऊपर भी फिर कई बार जो है वो सियासत होना शुरू हो जाती है कि यहाँ बनाया जाए वहाँ ना बनाया जाए, और उससे भी एक तरह से जो क्योस है वो पैदा होता है, उससे भी शकशुबा पैदा होता है, अंदेशा पैदा होता है। और इसलिए हमें लगता है कि इस पर जल्द से जल्द रेलवे डिपार्टमेंट को काम शुरू करना चाहिए। और ये आपको बताएं कि अब तक जम्मू रेलवे स्टेशन का विस्तार जो है वो
बड़ी सुस्त रफ्तार में हुआ है या बिल्कुल ना के बराबर हुआ है। 1972 में 3 प्लेटफॉर्म जो है वो जम्मू रेलवे स्टेशन पर बनाए गए थे, और अंदाज़ा लगाइए कि 1972 से लेकर आज तक यानी करीब करीब 53 सालों तक जो है वो 3 प्लेटफॉर्म्स ही अब तक जम्मू रेलवे स्टेशन में हैं। और यहाँ से आप सोच सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऊपर जो रेलवे डिपार्टमेंट के जो अथॉरिटीज़ हैं वो क्यों कर जम्मू रेलवे स्टेशन के विस्तार में, यहाँ की डेवलपमेंट में अब तक कोई दिलचस्पी जो है वो नहीं दिखा रहे। और बड़ी बात यह है कि क्या कहीं इसमें जैसा हमने कहा कि ये एक अंदेशा बन जाता है कि डिले किया जा रहा है तो कहीं इसमें और फेरबदल ना हो जाए और उससे जो इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पे काम कारोबार को बढ़ावा मिलना था, जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए, रेलवे से जुड़े हुए, टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको जो फ़ायदा पहुंचना था उसमें कई सालों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना लाखों करोड़ों का जो नुकसान है वो हो रहा है और अब तक इसको जो है वो डिले किया जा रहा है। और मेजर बड़ी बात ये भी है कि जो जम्मू रेलवे स्टेशन के जो मुलाजिम हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अपने छोटे मोटे कामों के लिए भी फिरोजपुर जाना पड़ता है जो जहाँ से बहुत दूर है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस पर काम होना चाहिए और जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। और ये बड़ा बारीकी से देखने वाली बात है कि जब 2014 में ये अनाउंस हुआ जम्मू को डिवीज़न अनाउंस करने का, तो उस वक्त जो है वो सभी राजनीतिक दलों ने इस पर सपोर्ट किया, इस पर समर्थन किया, इस पर आवाज़ उठाई और कहा कि वाकई में यहाँ जम्मू में जो है वो इसको डिवीज़न बनाने की ज़रूरत है। और तब के सांसद मदन लाल शर्मा ने बड़े एफर्ट्स लगाए, लेकिन आज जो है वो इस पर ये भी हम कहें कि कोई भी राजनीतिक दल आखिर बात क्यों नहीं कर रहा कि ये इतना डिले जो है वो क्यों हो रहा है और ये जल्द से जल्द इस पर काम शुरू होना चाहिए और जल्द से जल्द जो है वो ये डिवीज़न जो है वो इसको अनाउंस किया जाना चाहिए और डिवीज़न के तहत जितना भी डेवलपमेंट और विस्तार जम्मू रेलवे स्टेशन का होना है वो हो, ताकि एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक मेजर प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट जो था ये भी जम्मू के आर्थिक विकास और प्रगति के साथ जुड़ा हुआ है और इस पर भी जल्द से जल्द काम शुरू हो और जो इसका फ़ायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को, ख़ास करके जम्मू के लोगों को होने वाला था वो अब तक कई सालों से जो है वो रुका हुआ है। और इसलिए इस प्रोजेक्ट पर जल्दी अगर काम शुरू होता है तो जो फ़ायदे हमने जैसा बताए हैं वो जम्मू के लोगों का इससे फ़ायदा होगा, जम्मू का आर्थिक विकास होगा, जम्मू का विस्तार होगा, रेलवे स्टेशन जो है वो उसका विस्तार होगा और एक आर्थिक उन्नति के दौड़ में जम्मू को भी एक बड़ा बेनिफिट जो है वो मिलेगा। और इसलिए हम बार बार इन चीज़ों को उठाते हैं कि जम्मू और रेलवे स्टेशन, जम्मू का जो रेलवे स्टेशन है उसको डिवीज़न अनाउंस किया गया है 2014 में, लेकिन अब तक उस पर एक कदम भी रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से बढ़ाया नहीं गया है और ज़रूरत है इस बात की कि जल्द से जल्द इस पर जो है वो काम शुरू हो। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए नॉर्थ इंडियन न्यूज़। नमस्कार।